हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डेटा को कैसे डिलीट किया जाए। तो कौन सा डेटा? हम लोग फायरबेस एंड पीएचपी क्रड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐड, फेच, एडिट, अपडेट सब कर लिया हमने, और यहाँ पे अभी डिलीट ऑप्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। सो गाइस, चलिए इस फायरबेस पे इंडेक्स डॉट पीएचपी पे मूव होते हैं। डन। सो लेट्स गेट बैक। यहाँ पे ये अपना कोड है एंड ये रहा डिलीट का बटन। सो गाइस, यहाँ पे ए टैग लगा के हमने छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आप एक कोड लिख सकते हो एंड ऐसे ही पास कर सकते हैं, बट हमें इस मेथड से नहीं पास करते, हम लोग फॉर्म यूज़ करेंगे डिलीट करने के लिए। सो गाइस, फर्स्ट साइड बार को मिनिमाइज़ करिए और यहाँ पे ये एक्शन की जगह पे इसे कहिए एडिट और नेक्स्ट वन रहेगा डिलीट। ठीक है, इसको रिमूव कर दीजिए, एक और टी डी टैग लगा दीजिए और यहाँ पे रहेगा अपना फॉर्म, और ये मेथड इज इक्वल टू पोस्ट और एक सिंपल बटन डिलीट, और इस बटन को डिज़ाइन करने के लिए बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ कर लेते हैं और इस बटन का नाम और बटन का टाइप दे देते हैं। तो पहले टाइप दीजिए सबमिट और बटन का नाम रहेगा डिलीट बटन करके। ठीक है, और इसमें एक हमें की पास करना है डिलीट करने के लिए, कैसे डिलीट किया जाए। तो उसके लिए सिंपल इनपुट टैग बना लीजिए जो कि हिडन रहेगा, और इसमें नेम दे दीजिए और इस नेम का वैल्यू रहेगा आईडी और टोकन, जो भी आपको मर्ज़ी रहे वो रख सकते हैं हम। तो हम आईडी टोकन लगा देते हैं, या तो इंस्टेड ऑफ टोकन आप ये भी कह सकते हो की कहा जाता है। तो ये की इज़ नथिंग बट योर दिस। तो यहाँ पे फॉरिच लूप के मदद से ये की निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे वैल्यू लगाइए और इस वैल्यू में एको कर दीजिए डॉलर की, डॉलर के ई वाई की सेमी कोलन। एंड नाउ गाइस, ये की कौन सा वैल्यू है? तो यहाँ पे डेटाबेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे रियल टाइम जो कि ये यूनिक आईडी जो जनरेट हुआ, यूनिक की। तो इस की के मदद से हम लोग डेटा को डिलीट करेंगे। वापस चलिए और यहाँ पे लिखते हैं कोड डॉट पी एच पी पे। तो जैसे ही ये बटन क्लिक होगा डिलीट बटन, तो यहाँ पे जाएगा कोड डॉट पी एच पी विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड, जो कि पोस्ट मेथड लेके अपना इनपुट का टाइप जो कि आईडी की वैल्यू है वो वैल्यू लेके चलेगा कोड डॉट पी एच पी पे। तो लेट्स गो टू कोड डॉट पी एच पी फाइल और गाइस इसे जस्ट इग्नोर करिए एंड यहाँ पे कोड स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ कंडीशन लगा के हमें लगा देना है, यहाँ पे पहले चेक करना है बटन क्लिक हुआ है कि नहीं। तो विद द पोस्ट मेथड के हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं डिलीट बटन अगर क्लिक हुआ है तो इसके अंदर आ जाओ। तो डॉलर आईडी एक वेरिएबल बना लीजिए और जो भी आपका आईडी या टोकन या की जो भी बोलते हैं आप उसे गेट कर लेना है। लेट्स कॉपी दिस कोड डॉट पी एच पी पेस्ट, और ये रहा अपना आईडी। तो ये आईडी इज़ नथिंग बट कौन सा आईडी है? ये वाला आईडी रहेगा। तो ये तीन वैल्यूज़ जो इंसर्ट हुए हैं, तो वो तीन वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। सो गाइस, अभी इसे डिलीट पे क्लिक करते हैं और इसे एको करके देख लेते हैं कि आईडी आ रहा है कि नहीं। एको एंड लेट्स गेट बैक, रिफ्रेश करिए एंड डिलीट करिए। तो हम ये थर्ड पे क्लिक कर रहे हैं डिलीट, तो यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट एल वन करके आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एल जो भी आई है, तो ये आई वाला वैल्यू आ गया। सो गाइस, नाउ अभी यही चीज़ इसी के मदद से हम लोग डिलीट करेंगे। तो इंडेक्स पेज पे चल चलिए वापस और यहाँ पे इसे रिमूव करिए। तो पहले अपना टेबल नेम कॉल करना है, तो रेफरेंस टेबल करके हम कह देते हैं और इधर आके कॉन्टैक्ट्स करके बोल देते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट्स इज नथिंग बट योर टेबल नेम। तो यहाँ पे जो टेबल नेम है कॉन्टैक्ट्स फॉरवर्ड स्लैश और कंकैटिनेट करके ये जो चाइल्ड है गेट द चाइल्ड ऑफ आईडी। तो ये जो आईडी रहेगा इस टेबल में जाके इस आईडी को ढूंढेगा वो। सो आफ्टर ढूंढने के बाद उसके बाद आपको डिलीट करना है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं पहले। सो गाइस, यहाँ रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करिए और यहाँ पे सेविंग डेटा पे चेक करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिलीट डेटा, डायरेक्टली ये लोग यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिए हैं, तो इसे कॉपी कर लीजिए, सेम थिंग पेस्ट, मिस हो गया, कॉपी फिर से पेस्ट एंड
इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, डिलीटेड डिलीट डेटा कह देते हैं, ठीक है। और ये पोस्ट ये जो निकालिए और ये अपना रेफरेंस टेबल है, दैट्स इट। नाउ ये रिमूव फंक्शन की मदद से डेटा रिमूव हो जाएगा। सो गाइस अगर सक्सेसफुल हो गया तो इफ़ कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं। सो गाइस टाइप करने से पहले हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं इफ़ कंडीशन, कॉपी और वापस यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये डिलीट डेटा को यहाँ पे लगा दीजिए, इफ़ कंडीशन सक्सेस है तो यहाँ पे कहेंगे डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, अगर नहीं है डेटा नॉट डिलीटेड कह दीजिए, दैट्स इट। वापस इंडेक्स डॉट पी एच पी पे जाएगा। तो हम लोग सेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि सेशन का वेरिएबल नेम आके स्टेटस दिया गया है। सेशन यूज़ करना है तो मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग दिस सेशन स्टार्ट फंक्शन। सो यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी पे जा रहे हैं वापस, गो टू इंडेक्स डॉट पी एच पी, और मैसेज प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक स्मॉल कोड है, ये मैसेज दिखाएगा आपको कि क्या वहाँ पे स्टेटस रिप्लाई हुआ है, और इसे सेशन यूज़ करने के लिए यहाँ पर भी सेशन स्टार्ट रहना चाहिए। सो गाइस सेट एंड नाउ चलते हैं टेस्ट करते हैं परफेक्टली डिलीट होता है कि नहीं। रिफ्रेश। सो गाइस क्लिक करते हैं थर्ड ऑप्शन पे। सो क्लिक करने से पहले एक ऐड कर लेते हैं जो कि डमी बकवास, सो डमी एट जीमेल डॉट कॉम, यहाँ पे कुछ भी फ़ोन नंबर एक लगा दीजिए। सेव करते हैं, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। बैक चलिए वापस इंडेक्स पेज पे, यहाँ पे देख सकते हो डमी डेटा आ चुका है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये लास्ट आईडी देख सकते हैं आप, डमी बकवास करके फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ चुका है, और इसे ही हम डिलीट करते हैं। क्लिक टू डिलीट, डिलीट पे क्लिक कर दिए, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, परफेक्ट मैसेज आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप रिकॉर्ड नहीं एग्जिस्ट है, यहाँ पे वो डमी वाला वैनिश हो चुका है। तो यहाँ पर भी चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली अपने आप निकल चुका है। लास्ट वैल्यू दिखा देते हैं, ओके। सो यहाँ पर भी विनय वाला ही है। सो गाइस हम लोग सक्सेसफुली डेटा को डिलीट भी कर लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अबाउट ऑथेंटिकेशंस के बारे में, कैसे ऑथेंटिकेट करें इसे यूजिंग फायरबेस का। तो यहाँ पे ये जो ऑथेंटिकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।